हे गाइस, कैसे आप सब? मैं हूँ अथर और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम क्रिएट करेंगे न्यूज़ टेम्पलेट फॉर इंस्टाग्राम पेज यूजिंग पिक्सेल ऐप। बस कुछ फॉन्ट कलर PNGs का यूज़ करके एट द एंड दिस वीडियो आप आपका खुद का न्यूज़ टेम्पलेट बना पाओगे पिक्सेल ऐप का यूज़ करके। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो यार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद का कस्टमाइज टेम्पलेट बनवाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अभी स्क्रीन पर आपको मेरा आईडी शो हो रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको इंपोर्ट में चले जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको एक शेप इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने सिंपल शेप पहले से बनाया हुआ है तो मैं सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम सिंपली इरेज कलर में चले जाएंगे और इसका जो वाइट कलर होगा वो पूरा इरेज कर देंगे। उसके बाद हमें फिर से कलर में चले जाना है। कलर पे जाने के बाद आपको इसको कलर वाइट कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कलर वाइट कर लेता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से लेयर लॉक करके हम फिर से इंपोर्ट में चले जाएंगे। तो अभी इंपोर्ट पे जाने के बाद आपको आपका जो इमेज होगा आपको इंपोर्ट कर लेना, उसका साइज एडजस्ट कर लेना और सिंपली इसको लेयर को डाउन कर देना। अभी डाउन करना आपको सिंपली इसको लॉक कर देना है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे कि हम फिर से न्यू टेक्स्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली टाइप कर देंगे IPL न्यूज़। अगर आपका कुछ अलग टाइप का न्यूज़ होगा तो आप वो भी वहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली IPL न्यूज़ डाल लेता हूँ। तो IPL न्यूज़ डालने के बाद आपको सिंपली फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका पोजीशन एडजस्ट कर लेना। पोजीशन एडजस्ट करने में आपको सिंपल शेप में चले जाना है और आपको एक स्वीप ऐड कर लेना और इसका साइज़ आपके टेक्स्ट के हिसाब से आपको क्रॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ। करने के बाद आपको इसका जो कलर होगा आपको फुल्ली ब्लैक कर लेना है। तो ब्लैक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कि टेक्स्ट इसके ऊपर बराबर से एडजस्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पे मैं सिंपली इसका लेयर डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद लेयर को लॉक कर दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी हमें सिंपली कलर लेटर को चूज़ कर लेना है और उसके कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और उस पर हमने जो ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है वो ग्रेडियंट दे देना है। तो अभी हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें सिंपली फिर से टेक्स्ट में जाना है और टेक्स्ट में जाने के बाद हमें सिंपली हमारा जो न्यूज़ होगा हमको वो पेस्ट कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले प्री राइट कर लिया था, अभी मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका थोड़ा साइज़ कम कर दूँगा और इसका जो कलर होगा हम वो पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं वाइट के ऊपर ब्लैक कॉम्बिनेशन चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा वाला कॉम्बिनेशन होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं अभी इसका फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अभी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने का, तो आपको क्या करना है कि कौन सा भी एक जो लाइन होगा आपको जो फुल्ली हाइलाइटेड दिखाना है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। लाइन स्पेसिंग ऐड करने का, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके सिलेक्ट कर लेना है। हमें जो टेक्स्ट हाईलाइट करना है आपको सिंपली वो सिलेक्ट के एक एक स्पेस दे देना है। तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और सिंपली यहाँ पे शेप में चला जाऊँगा, फॉन्ट पे चला जाऊँगा। और फॉन्ट पे जाने के बाद हम सिंपली वो जो हमारा टैगलाइन है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने आपको क्या करना है कि आपको सिंपली फॉन्ट पे चले जाना है और फॉन्ट को दे देना। अभी सिंपली हम क्या करेंगे कि हम फिर से शेप में चले जाएंगे और इसके ऊपर एक शेप ऐड कर देंगे जो हाईलाइट का काम करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसमें ग्रेडियंट ऐड कर देता हूँ। ग्रेडियंट ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसको लेयर डाउन कर देना है। तो अभी सिंपली हमारा कुछ टेक्स्ट ऐसा दिख रहा होगा। तो अभी मैं सिंपली क्या करना है कि हमें आपका जो मतलब मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ, आप अगर आपका लोगो नहीं होगा तो आप भी यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगो टाइप कर लेना। इसका जो PLP फाइल होगा उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जल्दी मेरा graphy.in पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अभी हम सिंपली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लेना। और इसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क कर लेना जिसके हिसाब से वो वाइट पे दिख जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे ब्लैक ही सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से कुछ हमारा बन गया और इसको सेव कर देना।